जी, आपका शुभ नाम क्या है? सुनील गोस्वामी। किस कितने समय से इस स्थान पर हो? अभी हमको एक साल हो चुके हैं। प्राकृतिक रूप से झरना बना हुआ है, गौमुख बना हुआ है, क्या रहा है आप बता सकते हैं? महाराज जी रामाशाह महाराज थे, उन्होंने तपस्या करते थे, वो आकाश गमन के द्वारा गंगा जी नहाने जाते थे। एक बार की बात है कि गंगा जी मतलब समय से ना पहुंच के पहले पहुंच गए। माई बोली बेटा आज इतनी जल्दी क्यों आ चुकी? बोली मैया मैंने देख नहीं पाया तो जल्दी जग गया, मैं आ गया। बोले बेटा अब चिंता मत करो, आपको अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, मैं ही आपके पास आऊँगी। तो मैया मेरे को कैसे मालूम पड़े कि आप आ चुकी हैं? तो उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, लंगोटी और कमंडल छोड़ दो, जहाँ कमंडल और लंगोटी निकले वहीं समझना मैं आ चुकी हूँ। तो गंगा मैया के यहाँ निकली हैं, वो गोमुख के नाम से प्रसिद्ध हैं, आप दर्शन करेंगे। आइए दोस्तों, हम आपको दर्शन करवाते हैं गोमुख के और वहाँ के बारे में बताते हैं। दोस्तों प्राचीन गोमुख के बारे में हम आपको दर्शन करवाएंगे। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि वह प्राचीन जो गोमुख बना हुआ है, यहाँ के एक महाराज जी थे जो मानसिक रूप से आकाशीय गमन से उनकी सिद्धि थी, वो कहीं भी आ जा सकते थे, तो उसी सिद्धि के साथ दोस्तों वो वहाँ पर जाते थे और गंगा जी का स्नान करते थे। और जब गंगा समय से पूर्व ही वहाँ पर पहुँच गए थे तो असमय आ गए हो, तो आप जिस स्थान पर अपना उनकी जो लंगोटी होती है, उनका जो कमंडल होता है, उस उनको रख देंगे, वहीं पर गंगा मैया प्रकट हो जाएंगे। स्मरण करते हैं, वहीं मैं प्रकट हो जाता हूँ। ये है प्राचीन गोमुख, ये है गंगा मैया कहाँ से आ रही है? अच्छा, ऐसा यहाँ पर इतिहास रहा है। ये प्राचीन मूर्ति आप देख सकते हैं, खंडित हो चुकी है, क्या है ये है गंगा मैया के दर्शन। बहुत सुंदर, बड़े सौभाग्य से ऐसे दर्शन प्राप्त होते हैं दोस्तों, आप भी दर्शन कीजिए। गुप्त रूप से माँ गंगा का उद्गम यहाँ पर हुआ है। जैसा कि महाराज जी ने हमको बताया यहाँ के इतिहास के बारे में, क्या कुछ इनका इतिहास रहा है, यहाँ शिव परिवार विराजमान है। दो चीज है जो गंगा जी को पाले तो वो सिद्ध माने जाते हैं, शिव तत्व में आ चुके हैं। ये शिव तत्व और विष्णु तत्व और ब्रह्म तत्व अलग अलग तत्वों की कथा है, पढ़ाई है, अलग अलग तत्वों की अलग अलग व्याख्या है। जैसे अपने भारत में ब्रह्म तत्व अलग अलग विषयों ने पाया है। हाँ हाँ, यह गुप्त रूप से माँ गंगा प्रकट यहाँ पर हुई है, काफी अद्भुत है, काफी चमत्कारिक है। भारत में आपको कई ऐसे सिद्ध स्थान मिल जाएंगे देखने के लिए जहाँ पर गुप्त रूप से गंगा का उद्गम हुआ है, और हर स्थान की अपनी एक इतिहास है, अपना एक इतिहास है, और हर संत की एक तपस्या है। ये सुंदर नज़ारा गोमुख का आप दर्शन कर रहे हैं। ये प्राचीन गोमुख का भी सुंदर स्थान है, यह कई सालों पूर्व यह गुप्त स्थान हुआ करते थे इस तरह के। इन स्थानों का खोज करना बहुत आसानी का काम नहीं था। ये है बेहम दृश्य रानी घाटी के जंगलों का, यहाँ पर खुदाई में काफ़ी सारी मूर्तियाँ निकली हैं। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया काफ़ी प्राचीन स्थान है, यहाँ गंदी आत्मा आ जाती तो और मच्छी खाती है, बड़ी मच्छी क्या गंदी आत्मा जैसे कुछ करता है, परेशान करता है, तो उदम का गंदगी फैला।